नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने आज ग्राम पंचायत बसई घियाराव के गांव बसई घियाराम बसई कविलाल अंधियारी गड़ी जाफर हेत सिंह कापुरा दगरा बरसला एवं खौड़ में जाकर जनता जनार्दन की समस्याओं को सुना एवं समाधान का प्रयास किया। विधायक ने कहा कि जगह जगह आपके द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह ने मुझे भाव विभोर कर दिया। आपकी समस्याओं का समाधान सदैव मेरी प्राथमिकता रहेगी। कोयले की कमी के साथ अब सैपों में चोरों ने बिजली का संकट बढ़ा दिया है। पचगांव पुलिस चौकी के निकट 33 केवी विद्युत लाइन के 5 पोल तोड़कर करीब 500 मीटर लंबी बिजली लाइन के तारों को चोरी कर लिए गए हैं। बीती रात से ही 39 ग्राम पंचायत के 134 गांव की बिजली गुल हो गई है। रात भर अंधेरा छाने के बाद रविवार को पानी का संकट गहरा गया है, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल रहने से लोगों को बिजली का दंश झेलना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से विद्युत लाइन पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि यहां पर्याप्त बिजली तार नहीं पहुंचने से कर्मचारियों को बीच में ही लाइन बिछाने का कार्य रोककर विराम लेना पड़ा। मौके पर मौजूद ठेकेदार का कहना था कि तपती दोपहरी के बीच कर्मचारियों की टीम की ओर से विद्युत बहाली के लिए पूरे प्रयास किए गए, लेकिन स्टोर कीपर की ओर से उनको पर्याप्त तार उपलब्ध नहीं कराए। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना था कि फिलहाल तार आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इलाके से गुल हुई बिजली को बहाल करा देकर लोगों को राहत पहुंचाने का जतन किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना था कि शाम तक इलाके में विद्युत बहाल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि शाम 6:30 बजे तक इलाके की विद्युत बहाल नहीं हो सकी। सैपऊ से रजनी शर्मा की रिपोर्ट। सैपऊ उपखंड क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश धारण कर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। कलश यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिसके बाद कथा स्थल पर पहुंच वृंदावन धाम के आचार्य मायाराम शास्त्री की ओर से विधि विधान के साथ कलश स्थापित कराए गए तथा भागवत कथा के बीच पहुंचे लोगों को पहले दिन की कथा का श्रवण कराया गया। सैपऊ के मालौनी पवारसेठ रामजीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को मां शारदे की प्रतिमा की स्थापना हुई है। भामाशाह राजेंद्र सिंह परमार के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में विद्यालय में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें मां शारदे की प्रतिमा की स्थापना की गई। पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा मिल समावाले एवं राजू पंडित जी नोनी वालों के सानिध्य में विधि विधान के साथ हवन यज्ञ में आहुति देकर भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान मालौनी के सरपंच राधेश्याम परमार, मंगल सिंह, गजेंद्र सिंह परमार, बलवीर सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा, शिक्षक दीनानाथ दुबे सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मनिया थाना क्षेत्र में आज सुबह ओवरब्रिज से गिरकर 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाते समय रास्ते में ही एक भाई की मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई घायल युवक को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। दोनों ननिहाल में गमी में शामिल होने जा रहे थे। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नगला सदा गांव के रहने वाले राजू पुत्र प्रेमचंद पचौरी और उसका चचेरा भाई आकाश पुत्र रामनारायण बाइक से उत्तर प्रदेश से मांगरोल कस्बे में अपने ननिहाल गमी में शामिल होने जा रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मनिया और मांगरोल के बीच ओवरब्रिज पर दोनों भाई बाइक खड़ी करके रेलिंग के सहारे खड़े हो गए, जहां उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों ओवरब्रिज के नीचे जा गिरे। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में घायल हुए दोनों भाइयों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू पुत्र प्रेमचंद ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 315 बोर के देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार को एक और युवक सुमेश पुत्र चंदभान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि लहरपुर मोड़ पर एक युवक हथियार के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को घेरा डालकर मौके पर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी युवक सोमेश पुत्र चंद्रभान निवासी कांसोटी खेड़ा थाना बाड़ी सदर के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त कर लिया गया। पुलिस टीम ने आरोपी युवक को अरेस्ट करते हुए उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। राजाखेड़ा कस्बे के तहसील प्रांगण में स्थित प्राचीन मंदिर पर शनिवार को रामनिवास सेक्रेटरी मंदिर पुजारी मुन्नीलाल उपाध्याय एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा शिव परिवार एवं दुर्गा माँ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके उपलक्ष्य में रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर रहे एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गुरुवार को अखंड रामायण पाठ की शुरुआत के साथ की। भगवान शिव के परिवार को नगर भ्रमण करवाकर कराई गई, जिसके बाद शनिवार को मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ ही हवन पूजन करवाया गया एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर के द्वारा पट्टिका अनावरण कर दाऊजी महाराज व भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम SDM देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह, परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप पराशर, नायब तहसीलदार दिनेश चंद, प्रमोद शर्मा सहित अन्य भक्तगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजा खेड़ा से बुद्धि उदयनिया की रिपोर्ट। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर, एडमिशन ओपन। खुशखबरी, 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 अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतौ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। सेपो क्षेत्र के अंतर्गत फूलपुरा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास आचार्य देवकी नंदन महाराज चंगोरा वालों ने राजा परीक्षित की कथा कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है, जय विजय को राक्षस योनि में जन्म मिला एवं वारा भगवान के अवतार की कथा सुनाई। कथा में भक्तों ने जमकर आनंद लिया। कथा परीक्षित प्रेमचंद पचौरी एवं उनका समस्त परिवार मौजूद रहे। आज प्रातः 9 बजे वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि गंगोत्पत्ति गंगा सप्तमी गंगा जयंती श्री चित्रगुप्त भगवान प्राकट्य दिवस श्री चित्रगुप्त जयंती मातृ दिवस के शुभ अवसर पर पुष्य नक्षत्र के विशेष मुहूर्त पर एवं पावन पर्व पर प्राचीन श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर पुराना शहर धौलपुर में श्री चित्रगुप्त भगवान का सामूहिक पंचामृत अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना सामूहिक आरती स्तुति की गई। मंदिर पुजारी मदन लाल शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ श्री चित्रगुप्त भगवान का सर्वप्रथम सामूहिक पंचामृत अभिषेक व वस्त्र धारण करवाकर पुष्पमाला व प्रसाद अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया एवं सामूहिक आरती की गई। इस विशेष पूर्णदायी
पावन पर्व के शुभ अवसर पर कायस्थ समाज के निम्नलिखित सम्मानीय सदस्य उपस्थित रहे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच व एबीपी द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अभियान चलाया गया। इस तपती भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मचकुन रोड दद्दा जी के मंदिर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा बेजुबानों के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई। एबीपी वीपी द्वारा चलाए जा रहे ढाणी ढाणी सकोरा अभियान के तहत 11 परिंडे भी लगाए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जौदोन द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। इन बेजुबानों को सहारा केवल इंसान ही है। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार दुबे ने भी अपने विचार रखे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और जनमानस को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया जाएगा। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के गिरीश उपमन्यु, लोकेश राजपूत, रामकिशोर शर्मा, प्रमोद पचौरी, भूदेव शर्मा, विराट ठाकुर, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौर व एबीवीपी नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, देवेश सेन, विष्णु भारद्वाज, रामू कुशवाहा, रोहित मोनू, कृष्णा रवि कुमार, योगेंद्र मौजूद रहे। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रविवार को जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में नवीन कार्यालय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आम जन की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन, सफाई कर्मियों को मास्क, पीपीई किट, रक्तदान शिविरों का आयोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं आम जन में जागरूकता अभियान के माध्यम से सराहनीय कार्य कर जिले की अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाई है। संस्था के लिए पुराने केंद्रीय विद्यालय के भवन में कार्यालय आवंटित किया गया है, जिससे संस्था के संचालन में सुविधा रहेगी। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार धौलपुर भगवत त्यागी, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने संबोधित किया। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में डॉक्टर महावीर सिंह, समारोह में डॉक्टर महावीर सिंह दुबे, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर विमल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, विशाल उपाध्याय आदि मौजूद थे। धौलपुर में कल दिनांक 9 मई 2022 को राजपूत सभा भवन और डेला धौल पुर में महाराणा प्रताप की जयंती जिला अध्यक्ष राजपूत सभा धौलपुर भागीरथ सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में 11 बजे मनाई जाएगी। अतः सभी राजपूत बंधुओं से निवेदन है कि समय पर पधारकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ावें। निवेदक भागीरथ सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष राजपूत सभा धौलपुर। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।